राहुल गांधी के बीजेपी और हिंदू धर्म पर दिए विवादास्पद बयान पर बीजेपी अब हमलावर हो चुकी है। क्या हिंदू धर्म के विरोध के लिए बना इंडिया गठबंधन, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है और यही सवाल पूछा भी जा रहा है। क्या राहुल गांधी ने विदेश में भारत को बदनाम किया है? ऐसा लग रहा है कि देश की सियासत में हिंदू धर्म पर युद्ध का उद्घोष हो चुका है। I've read number of the Upanishads. I've read many Hindu books. राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान के साफ नजर आने लगा है। क्या हिंदू धर्म के विरोध के लिए बना INDIA गठबंधन? क्या राहुल गांधी ने विदेश में भारत को बदनाम किया? ऐसा लग रहा है कि देश की सियासत में हिंदू धर्म पर युद्ध का उद्घोष हो गया है। भारत की राजनीति में धर्म पर दो किनारे पड़ गए हैं। एक तरफ DMK लगातार सनातन पर तीखे प्रहार कर रही है, तो दूसरी तरफ DMK जिस INDIA गठबंधन का हिस्सा है, उसी पार्टी से हिंदू धर्म पर आ रहे बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है और इस सब के केंद्र में DMK के बाद कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर हिंदू धर्म और बीजेपी पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसे बीजेपी देश की छवि खराब करने वाला बता रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेरिस में एक कार्यक्रम में बीजेपी पर निशाना साधने के लिए हिंदू धर्म और उसके पवित्र ग्रंथ गीता का सहारा लिया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म और बीजेपी पर क्या बयान दिया। I've read the Gita. I've read number of the Upanishads. I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing, nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere, in no Hindu book, from no Hindu, learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. लेकिन राहुल का यही बयान उन्हें फिर सुर्खियों में ले आया है, क्योंकि एक तरफ INDIA गठबंधन के नेता सनातन को भारत विरोधी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सनातन और हिंदू धर्म का सहारा लेकर बीजेपी को निशाना बना दिया। सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर हिंदू धर्म का सहारा लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने सख्त एतराज जताया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तो राहुल गांधी की शैक्षणिक योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। सोनिया गांधी आप जवाब दें, राहुल गांधी आप जवाब दें, प्रियंका आप जवाब दें, तो कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता आप ही लोग हैं। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो ये हाल है कि उनके पुत्र प्रियांक खड़गे रोज सनातन का अपमान करते हैं। ये नहीं स्वीकार होगा, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी हिंदू धर्म पर अपने दिए बयान की वजह से बीजेपी के निशाने पर हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भारत की सियासत में हिंदू धर्म INDIA गठबंधन के निशाने पर क्यों है? या कांग्रेस बार बार बीजेपी को निशाना बनाने के लिए हिंदू धर्म का सहारा क्यों लेती है? कुछ नया करने की चाहत ही तो है कि हम चांद तक पहुंच पाए, क्योंकि नई सोच से ही आकार लेता है हमारा नया कल, एक ऐसा सुनहरा कल जिसका सपना देख रहा है नया भारत। हम भी हैं तैयार नए अंदाज नए रूप के साथ इस नए भारत के हर कदम को आप तक पहुंचाने। एक ऐसे नए स्टूडियो से जो बनेगा TV न्यूज का एक नया बेंचमार्क। मिलेंगे ऐसे कैमरा व्यू जो साफ कर देगा हर नजरिया। एक ऐसा न्यूज रूम जो होगा देश का न्यूज सेंटर।
जो दिखाएगा देश के हर चप्पे की खबर आपकी टीवी, मोबाइल या लैपटॉप पर, क्योंकि देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल